हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज का सीन कुछ यूँ होने वाला है कि आज मान्या की स्कूल में कंपटीशन है तो उसे पार्टिसिपेट किया है, तो उसे जाना है, तो वो मतलब परेशान है कि मैं भी चलूँ उसके साथ में। तो मैंने सोचा, वैसे तो मैं रोज़ जा नहीं पाती हूँ, उसके पापा ही जाते हैं उसको लेने छोड़ने, तो आज मैं चली जाती हूँ। तो उसे अभी रेडी करना है और वहाँ पे जो टाइमिंग दी गई है उससे हमें आधे घंटे पहले पहुँचना है। तो सबसे पहले मान्या को तैयार कर देते हैं क्योंकि इनको तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इनकी चोटी बनाना, कपड़े पहनाना, फिर सब कुछ करना, चोटी बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर उसके बाद मुझे भी तैयार होना है, तो जल्दी से तैयार हो जाते हैं और फिर चलते हैं इनके स्कूल। तैयार हो गए हैं और इतनी गर्मी हो रही है, बारिश हुई लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल मेकअप करने का मन नहीं करता। तो मैंने हल्का सा किया हुआ है क्योंकि स्कूल में बहुत सारे लोग मिलते हैं, इसलिए साड़ी भी पहन के जाना पड़ता है। और यहाँ के क्योंकि पड़ोस के लोग भी जाते हैं, तो अभी हम चलते हैं स्कूल क्योंकि मान्या का कॉम्पिटिशन 12 बजे से शुरू होना है, तो उसके पहले हमें पहुँचना है। फर्स्ट प्राइज पक्का? फर्स्ट प्राइज नहीं, 3 प्राइज हो चुके मेरे पास। अब फर्स्ट प्राइज इस बार चाहिए? इस बार 2 प्राइज मुझे और चाहिए, हिंदी वाले। ओके, चलो ठीक, बेस्ट ऑफ लक। तो हम स्कूल पहुंच गए हैं और ये है भाभी मेरी, मतलब भाभी का बेटा और मेरी बेटी साथ में पढ़ती है, तो हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। कभी हमारे मंदिर पे आना, फिर वहाँ ब्लॉग बनाते हैं। बहुत बढ़िया महाकाल का मंदिर है। अरे वहाँ तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आऊँ। हाँ, तो मैं किसी भी दिन आती हूँ। सारे को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मान्या खुश कितने को लहराते हुए आ रहे हैं। कैसा हुआ, भूले तो नहीं थे? सुधा मैम थी वहाँ पे। हम लोग पहुंच गए हैं ट्रेन। चलो तुम अपना देख रही हो मान्या? हाँ, ये अपने सेक्शन में आ गई सब लोग। ये छोटी बेटा, रखो इसको, देखे और ऊपर गर्ल्स वाले ऊपर चलेंगे। फिर इसको रखो, जल्दी से ऊपर चलते हैं। जरा देखो, शॉपिंग करके हम घर के लिए निकल चुके हैं और अभी ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। इस टाइम पे ना बाहर घूमने वाला रहता है, बस बारिश ना हो तब तक। मान्या के स्कूल से ही फिर हम चले गए थे शॉपिंग करने और फिर वहाँ से जब घर लौट के आए, घर का काम वाम किया, खाना वाना खिलाया, खाना तो बना के ही मैं गई थी, वो सब किया, साफ ऑफ किया, और फिर मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि आते ही बस सो गई। अभी उठी हूँ, 4:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अभी दलिया मेरे कई दिन से बनी हुई रखी, बस उसको साफ़ करनी है, तो आज मैं सोचा साफ कर ही लेते हैं। बारिश भी नहीं हो रही है और अंदर करो तो बहुत आटा उड़ता है, तो मैं जितने भी वैसे काम होते हैं ना, मैं सब यहीं पे करती हूँ। एक छन्नी से ना छान दिया है, वो इस तरह से कुछ निकला हुआ है, और अभी ना दूसरी छन्नी और लगा रहे हैं मैदे वाली। दलिया बनाने में कई प्रोसेस करना पड़ता है, तब जाके दलिया तैयार होती है, तो अभी ना इसको एक बारी और छान लेते हैं। तो भाई दलिया हमारी बन गई है, ये मोटी वाली है और ये पतली वाली, तो हम चलते हैं, इन सबको रख देते हैं चल के। और मान्या नीचे रह के बहुत परेशान हो जाती है पूरे दिन, तो अभी उसको छत पे लेके आए, थोड़ी देर खेलेगी फिर उसके बाद नीचे चली जाएगी। उसको छत में बहुत अच्छा लगता है, आज मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश नहीं हो रही है, हवा ठंडी ठंडी सी चल रही है। देखिए मौसम का ये रुख है इस टाइम पे, बादल भी है लेकिन अभी लग नहीं रहा कि आज बारिश होगी। और जब भी छत पे आती है ना, तो बस इनका काम होता है दौड़ना, और सिर पे दौड़ने लगती है, कुछ भी नहीं लेके आए क्योंकि बॉल लेके आ जाए या कुछ और। दीदी क्या कर रही हो? बैठी हो? सामने अपने फ्रेंड से बात भी कर रही है। तुम क्या कर रही हो, पूछ रही है। तुम झाड़ू सोच रहे थे करने को? बांस नीचे था ना, कहाँ था बांस? हमने सोचा झाड़ू से करना है, अब जाने लगा ना, बताओ इतने टाइम तक रुका रहता था। अब तुम यहाँ पे खेल रही हो ना, अभी थोड़ी देर और खेलोगी? तो हम चेतन मामा को यहाँ पे भेजे दे रहे हैं, हम जा रहे हैं पूजा करने। ऊपर खड़े हो जाओ, जो भी कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा खेल लेंगे, हम जा रहे हैं पूजा करने, ठीक है? चलो चलते हैं, मैंने पी। मान्या के साथ मैं थोड़ी देर छत पे थी और अभी जो है ना मेरा टाइम हो गया पूजा करने का, क्योंकि ट्यूसडे और सैटरडे को, तो फिर मैं जा रही हूँ सुंदरकांड करने, उसमें 1 घंटा लगेगा, तो अभी चेतन जाएगा उसके साथ खेलेगा।
ये देखिए, जब टेलीफोन नहीं होता तो कैसे बातें होती थी, छतों छत बातें हो रही हैं। बिरयानी बना रही क्या दीदी? हाँ जी, चावल पक गया, लेट हो गया। सही है सुनाओ सुनाओ। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।